हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को बताया, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लास लेकर के आ रहे हो। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होगी एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर वन। और पेपर नंबर वन पर ऑलरेडी हमने आपका यूनिट नंबर वन कंप्लीट करवा दिया है और यूनिट नंबर टू हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। और यूनिट नंबर टू की आज की हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है, डे नंबर एट, यानी कि 8 दिनों में हम आपका पूरा यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए आज देखते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। तो पिछले हमने 7 वीडियो में आपके दो दो क्वेश्चन करके, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन थे तो काफी लंबे हो जाते थे, तो दो दो क्वेश्चन करके हमने आपका कंप्लीट करवाया है 14 क्वेश्चन। तो आज हम 15 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। शेकेरा, धर्म से संबंधित बेबर और मार्क्स के विचारों की तुलनात्मक व्याख्या करो। कहने का मतलब क्या है कि धर्म को लेकर के बेबर और मार्क्स के जो विचार दिया है, मार्क्स ने भी धर्म को लेकर के विचार दिया और बेबर ने भी धर्म को लेकर के विचार दिया है, तो मार्क्स और बेबर के धर्म के विचारों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो धर्म के संबंध में कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर के विचारों की तुलना, प्रायः ये कहा जाता है जब इनकी तुलना किया जाता है कि मार्क्सवादियों के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो पूंजीवाद के विकास की उत्पोध है। आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास अपने विश्लेषण और उनके पारस्परिक संबंधों के अपने अध्ययन में बेबर जो है बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। दूसरे शब्दों में मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद के विकास के कारण ही प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ है। यानी कि मार्क्स जो है, जो मार्क्सवादी है, वो समझते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ी, इस वजह से प्रोटेस्टेंट धर्म आया। अर्थात जो है कहा जाए कि ये विकास संभव हो सके, अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म को विकसित करने का जो श्रेय है कि प्रोटेस्टेंट जो धर्म आया वो विकसित क्यों हुआ, क्योंकि जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई। तो इस तरीके से कहा गया जो है मार्क्स के द्वारा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई, इस वजह से प्रोटेस्टेंट धर्म आया। लेकिन बेबर का अगर बात करोगे तो बेबर कहते हैं कि उन्होंने जो प्रस्तुत किया धर्म के समाजशास्त्र में, उन्होंने इसका ठीक उल्टा कहा है। उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद का विकास हुआ क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म ने अपना योगदान दिया इसमें। यानी कि पूंजीवाद इसलिए आया क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म ने उसमें अपना योगदान दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और मार्क्सवादियों का क्या कहना है कि जो है पूंजीवादी थे, इस वजह से प्रोटेस्टेंट धर्म आया। यानी कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं। और जिस रूप में आज हम पूंजीवाद को विकसित रूप में पाते हैं वो प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक विचारों के बिना कदापि संभव नहीं था। और इस प्रकार बेबर प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद के विकास का कारण मानते हैं, जबकि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म जो है उसको पूंजीवाद के विकास का परिणाम मानते हैं। तो यह बात विवेचना में भी है और इसको आगे तक भी ये चीजें रहेंगी और लगातार इस पर कई सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं। अब मार्क्स का कथन है कि मानव जीवन, विश्वास आदि पर भौगोलिक परिस्थिति, जनसंख्या की वृद्धि आदि कारकों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यानी कि मार्क्स का मानना है कि मनुष्य का जो जीवन है, जो उस पर विश्वास और भौगोलिक जो परिस्थितियां, उसका जनसंख्या की वृद्धि, इन सभी चीजों का कारण जो है प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन पर, परंतु इसको इसके निर्णायक कारण के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं होगा। मनुष्य के लिए सबसे पहली समस्या जो है धर्म का विकास या दर्शन का विकास नहीं है, बल्कि उन साधनों को ढूंढने की होती है जिसके द्वारा वो अपनी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि उसको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उसकी पूर्ति कर लेना, ये सबसे पहला काम मनुष्य का होता है। और उसके बाद उसका शारीरिक अस्तित्व संभव हो सके, फिर मनुष्य अपने में जीवित जब रहेगा तब कहीं जा करके वो इतिहास का, समाज का, दर्शन का, धर्म का, आचार का, इन सभी का निर्माण करने के पीछे भागेगा। क्योंकि जिस पर्सन के पास अपनी जो बेसिक नीड्स हैं अगर वही पूरी नहीं हो रही है तो उसको इंटेलेक्चुअल बातें समझाओगे, कुछ भी करोगे, दैट डजंट मैटर, और वो चीज़ें जो है बहुत हद तक कुछ भी काम नहीं करने वाला है जो है। इसलिए पहला जो विषय है वो जीवन है, फिर कहीं धर्म आदि का प्रश्न आता है। जीवन के लिए या व्यक्ति जो है जीवित रहने के लिए मनुष्य को भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जो है उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। उत्पादन कार्य के लिए उत्पादन के साधनों की जरूरत होती है, साथ ही उत्पादन के सिलसिले में उसे अन्य व्यक्तियों के साथ उत्पादन संबंधी जो संबंध है वो स्थापित करना पड़ता है। इन संबंधों का निर्धारण जो है उत्पादन के साधनों के अनुरूप होता है। जब हल बैल उत्पादन के साधन थे तब किसान और जमींदार के बीच जो है एक निश्चित प्रकार का संबंध पाया जाता था, और अब जब हल जो है जब मशीन उत्पादन हो गया है तो उसमें जो है संबंध बदल गए हैं और पूंजीपति और श्रमिक के बीच में संबंध आ गया है। तो इस तरीके से समय के साथ साथ चीज़ें अलग अलग बदलती रहती हैं और नया नया रूप धारण करती रहती हैं। उत्पादन के इन संबंधों के संपूर्ण योग से जो है समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है, जो कि वास्तविक समाज की नींव होती है।
जिसके अनुसार मानव जीवन के अन्य पक्ष, चाहे वो वैज्ञानिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो, धार्मिक हो या कुछ भी हो, इन सभी चीजों का निर्धारण कहीं ना कहीं आर्थिक संरचना के निर्माण के आधार पर ही होता है। तो इस तरीके से धर्म कारण या जो है आधार नहीं है, बल्कि आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है। यानी कि जो धर्म आया है वो केवल केवल आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है, ना कि जो है धर्म की वजह से आर्थिक व्यवस्था आई हुई है। यही आधार पर कहा जाता है कि आधुनिक समय में विकसित होने वाले प्रोटेस्टेंट धर्म का आधार या कारण भी क्या है, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था या पूंजीवाद को ही माना गया है। पूंजीवाद का विकास का कारण है कि प्रोटेस्टेंट धर्म उसका परिणाम है। यानी कि कहा गया कि पूंजीवाद का जो विकास हुआ ये कारण बना, जिस कारण की वजह से जो है प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उसकी उत्पत्ति हो पाई। और इसके विपरीत बेबर का जो निष्कर्ष था वो था कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसी आर्थिक आचारों का समावेश है जिनका कि पर्याप्त जो प्रभाव है वो पूंजीवाद के विकास पर पड़ा, जिसमें से 5 प्रमुख प्रभावों की विवेचना हम ऊपर कर चुके हैं। और बेबर का यह कहना कि यद्यपि पूंजीवाद का विकास जो है वो प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार ही एकमात्र कारण नहीं है, फिर भी इनके बिना आधुनिक पूंजीवाद का विकास उस सीमा तक संभव नहीं था। जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं तो पूंजीवाद का जो सर्वोत्तम विकास हुआ है वो प्रोटेस्टेंट धर्मों में ही हुआ है। यानी कि वो धर्म या वो कंट्रीज जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो कर रही हैं उनमें ही पूंजीवाद का विकास मैक्सिमम हुआ है, और जो कंट्रीज उसका फॉलो नहीं कर रही हैं या उसके पैमाने पर अपने जीवन स्तर को नहीं चला रही हैं तो उनका विकास नहीं हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बेबर ने जो सामाजिक का जो सामाजिक जीवन या आर्थिक संगठन में धर्म का अपना महत्व दिया है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत मार्क्स का विश्वास है कि धर्म जनता के लिए अफीम के जैसा है, धर्म केवल निरर्थक ही नहीं बल्कि प्रगति के पथ में रोड़ा भी है। मार्क्स कह रहे हैं कि धर्म जो है वो प्रगति में रोड़ा है, और जबकि जो है वो कौन बोल रहे हैं, बेबर, कि धर्म की वजह से ही प्रोटेस्टेंट धर्म की वजह से ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज में आई। समझ रहे हैं, धर्म गरीबों को ईश्वर, कर्म फल, स्वर्ग नरक, भाग इनमें विश्वास करने की प्रेरणा देकर के उन्हें सांस्कारिक जो कष्ट है उसके प्रति उदासीन बना देता है, और इस प्रकार उनकी प्रगति में बाधक भी सिद्ध हो जाता है, ऐसा जो है मार्क्स का मानना है। 16 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवाद से संबंधित मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के तुलनात्मक अध्ययन करो कि पूंजीवाद के संबंध में मार्क्स वेबर और कार्ल मार्क्स की क्या विवेचना रही है। तो पूंजीवाद की प्रकृति से संबंध में जो है सबसे पहले कार्ल मार्क्स और वेबर के विचारों में हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है पूंजीवाद की प्रकृति जो है वो श्रमिकों का शोषण करने के ही अनुकूल है। पूंजीवाद की व्यवस्था जो है वो शोषण व्यवस्था है, इसके अंतर्गत धन या उत्पादन के साधन केवल कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथ में ही केंद्रीकृत हो जाते हैं, और इसके फलस्वरूप धन का जो है असमान वितरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। इसका परिणाम ये होता है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है आर्थिक न्याय एक दूसरे को के लिए सपना हो जाता है कि सबका आर्थिक न्याय हो सके। तो पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक मूल्यों का उत्पादन करता है परंतु उसका बहुत कम भाग उसको वेतन के रूप में मिलता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो पूंजीपतियों को ही मिलती हैं। यह वेतन इतना ही होता है कि श्रमिक और उस पर जो लोग आश्रित हैं यानी कि उसके घर फैमिली वाले वो किसी तरीके से जिंदा रह सकें, उनकी निर्धनता, दुख और कष्टों की कोई सीमा नहीं होती है। और मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था की प्रकृति ही कुछ ऐसी है जो कि समाज को 2 महान वर्गों में, पूंजीपति वर्ग और पूंजीहीन वर्ग, इन 2 वर्गों में बांट देती है। पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े पैमाने में उद्योग धंधे चलते हैं और मोनोपोली हो जाती है, एकाधिकार हो जाता है, तथा स्थानीय केंद्रीकरण यानी कि लोकल सेंट्रलाइजेशन हो जाता है की प्रवृत्ति आ जाती है। बड़े पैमाने में उत्पादन होने के कारण समय समय पर जो है अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप समाज को जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, और साथ ही श्रमिकों में बेरोजगारी, निर्धनता आदि भी बढ़ती जाती है। परंतु इन सब शोषणों व अत्याचारों के कारण श्रमिक संगठन और उनके जो वर्ग चेतना है वो भी दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, दृढ़ होती चली जा रही है, जो कि मार्क्स के अनुसार एक दिन क्रांति के रूप में प्रकट होगी, और उसके फलस्वरूप श्रमिक वर्ग जो है वो पूंजीपतियों को उखाड़ करके जड़ से फेंक देगा और सर्वहारा वर्ग का अधिनायित्ववाद की जो उन्होंने बात किया हुआ है उसकी स्थापना हो जाएगी। अब पूंजीवाद की प्रकृति का यही आंतरिक विरोध, सो इंटरनल जो है कॉन्ट्रोडिक्शन है, वही उससे उसको पतन के लिए आमंत्रित कर रहा है और एक दिन वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा, ऐसा मार्क्स का मानना है। जबकि इसके विपरीत अगर बात किया जाए बेबर का जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेकर के बेबर का दृष्टिकोण है वो इस व्यवस्था के प्रति इतना उग्र या कठोर नहीं है जैसा मार्क्स कहते हैं कि मतलब ये व्यवस्था बिल्कुल ही खराब है, किसी काम की नहीं है, ये केवल समाज में कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा कर रही है, समाज में कोई लोग हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं और कोई लोग हैं कि उनकी जिंदगी नहीं कट पा रही अच्छे से। तो इस चीज़ पर जो बेबर का विचार है वो थोड़ा सा अलग है इस चीज़ से।
चूंकि आप राजनीति और अर्थशास्त्र को साथ साथ एक साथ मिलाने के पक्ष में नहीं है, तो इस कारण पूंजीवाद का जो विश्लेषण करते हैं समय उन्होंने इसे बुनियादी दो प्रकारों में बांटा है। उनके अनुसार एक तो राजनीतिक पूंजीवाद है जिसके अंतर्गत साम्राज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद भी आ जाता है, और दूसरा है जो है आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद, यानी कि जो राजनीतिक पूंजीवाद के लाभ कमाने के लिए युद्ध के साधनों का प्रयोग में लाना पड़ा, दूसरों पर विजय प्राप्त करके लाभ कमाना हो गया, और राजनीतिक प्रशासन पर सर्वोच्च अधिकार स्थापित किया जाए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके उसके माध्यम से लाभ कमाने को राजनीतिक पूंजीवाद कहा जाता है। इसके विपरीत आधुनिक जो औद्योगिक पूंजीवाद है उसमें वेबर का तात्पर्य जो है उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत अलग अलग चीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए अलग अलग उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाती हैं, और चूंकि जो पूंजीवादी युग है उससे पूर्व की उत्पादन इकाइयों को कुचल करके उनकी कीमतों पर अपना विस्तार करती है। यह व्यवस्था वहीं पनप सकती है जहां पर इसके लिए जो है आवश्यक राजनीतिक सैद्धांतिक और कानूनी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों। पूंजीवादी इकाई के लिए किसी निश्चित स्थान पर कारखानों की स्थापना और उन कारखानों में काम करने वाले स्वतंत्र जो श्रमिक हैं उनकी आवश्यकता होती है। कारखाने तथा मालिक अपनी जोखिम पर कारखाने को चलाता है और बाजारों में प्रतिस्पर्धा करके उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए आवश्यक प्रयत्नों को करता है, और यह प्रक्रिया काफी बुद्धिसंगत होती है क्योंकि इसमें लागत और आमद में निरंतर संतुलन को आधार ना मान करके उत्पादन की इकाइयों को ही आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद का आधार माना है। परंतु मार्क्स का के इस मत से सहमत नहीं है कि पूंजीवादी व्यवस्था पूर्णतया एक व्यर्थ का संगठन है और उसके विनाश से ही सामाजिक हितों की प्राप्ति संभव है, बल्कि वेबर का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था को बुद्धिसंगत मानते हैं, लेकिन उन्होंने ना तो इस व्यवस्था में होने वाले उत्पादन की अराजकता पर कोई ध्यान दिया है और ना ही उसके लिए कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत किया है कि इसी कारण से ये चीजें हो रही हैं। समझ रहे हो? तो मार्क्स का जो मानना था वो मानना था कि मतलब ये व्यवस्था बिल्कुल ही गलत है, किसी काम की नहीं, ये केवल गरीबों का खून चूस रही है। जो वेबर है उन्होंने भी इस चीज पर थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है, लेकिन उन्होंने इसको पूरी तरह से नकारा नहीं है या अराजकता के बारे में बात नहीं किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी दृष्टिकोण पर विचार व्यक्त करो या वर्णन करो कि मैक्स वेबर का सत्ता संबंधी दृष्टिकोण क्या है। तो मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर जो है आधारित होती है। यद्यपि आर्थिक कारण सत्ता के निर्धारण में एकमात्र कारण नहीं है, आर्थिक जीवन में यह सहज ही स्पष्ट है कि एक ओर मालिक वर्ग उत्पादन के साधनों तथा मजदूरों की सेवाओं पर अपने अधिकार को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, तो दूसरी ओर मजदूर अपनी सेवाओं के बदले जो प्राप्त मजदूरी है उस पर एकाधिकार या अधिकार पाने की चेष्टा करते हैं। सत्ता उन्हीं के हाथों में रहती है जिनके पास संपत्ति है और उत्पादन के साधन केंद्रित हैं, और इसी सत्ता के आधार पर मजदूरों की स्वाधीनता को खरीदा जाता है और मालिक को मजदूर के ऊपर एक विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। यद्यपि इस प्रकार की सत्ता अब दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और बहुत कुछ घट भी गई है, लेकिन फिर भी आर्थिक क्षेत्रों में निजी संपत्ति और उत्पादन साधन किसी वर्ग के लिए सत्ता के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक भी है। संक्षेप में, आर्थिक जीवन में एक स्थिर और संस्थागत अर्थव्यवस्था समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग को अधिकार या सत्ता प्रदान करती है। ये वर्ग अपनी उस सत्ता के बल पर दूसरे वर्गों पर प्रभुत्व रखता है और उनमें अपनी जो ऊंची स्थिति है उसको विराजमान रखता है। अब सत्ता के जो स्वरूप हैं या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ जो अथॉरिटी है उसके बारे में बात करें, तो सत्ता के संस्थापक होने के क्षेत्र में वेबर का जो विश्लेषण है वो बहुत कुछ इसी दिशा में है। फिर भी मैक्स वेबर ने सत्ता के कुल तीन बुनियादी प्रारूपों में भेद किया हुआ है। उन्होंने तीन प्रकार की सत्ताओं के बारे में बात किया हुआ है। मैक्स वेबर तीन सत्ताओं के बारे में क्या बात करते हैं? पहला उन्होंने कहा है वैधानिक सत्ता, यानी कि लीगल अथॉरिटी जो होती है, यानी कि राज्य द्वारा प्रतिपादित कुछ सामान्य नियमों के अनुसार उत्पन्न जो है अनेक पद ऐसे होते हैं जिनके साथ एक विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी रहती है। इस कारण जो भी व्यक्ति इन पदों पर आसीन होते हैं उनके हाथों में उन पदों से संबंधित सत्ता भी चली जाती है। उदाहरण के लिए मिस्टर तिवारी जज के पद पर आसीन होने के नाते उस पद से संबंधित सत्ता जो कि उन्हें वैधानिक रूप में प्राप्त है उसको प्रयोग में लाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो स्पष्ट है कि इस प्रकार की सत्ता का स्रोत व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा में निहित नहीं होता है, बल्कि जिन नियमों के अंतर्गत वो उसे विशिष्ट पद आसीन हुआ है उन नियमों की सत्ता में निहित होता है। यानी कि उस व्यक्ति की अपनी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो जिस कुर्सी पर बैठ रहा है, जिस पद पर बैठ रहा है, उस पद के पास पावर है। तो इसका क्षेत्र वहीं तक सीमित है जहां तक कि जो नियम, जो कानून जो उसको विशिष्ट अधिकार दे रहे हैं वहां तक। एक व्यक्ति को वैधानिक नियम के अंतर्गत जितना अधिकार प्राप्त होता है उसके बाहर वह उसके अधिक सत्ता का प्रयोग वो व्यक्ति नहीं कर सकता है,
और इस प्रकार व्यक्ति की जो वैधानिक सत्ता के क्षेत्र हैं वो उसके बाहर के क्षेत्र में, अर्थात यानी कि जिस क्षेत्र से हटा दिया जाए उसके बाहर उसकी व्यक्तिगत अपनी कोई निजी हैसियत नहीं होती है। जैसे कि एक जज है, तो एक जज का जो वो कोर्ट रूम में बैठा हुआ है और जो निर्णय सुना रहा है वो तो प्राइम मिनिस्टर भी है तो भी मानना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को भी, समझ रहे हैं, लेकिन उस कुर्सी से निकलने के बाद वो बाहर आकर के किसी को कुछ भी उसके पास पावर्स नहीं है जिसका वो यूज कर सकता है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति की वैधानिक सत्ता के क्षेत्र और उससे बाहर के क्षेत्र में, यानी कि अर्थात जो क्षेत्र में उसकी व्यक्तिगत हैसियत नहीं है उसमें काफ़ी बुनियादी भेद है। जैसे कि मिनिस्टर तिवारी एक जज की हैसियत से जिन अधिकारों के अधिकारी हैं वो अधिकार एक व्यक्ति के रूप में, जैसे कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में, तिवारी के अधिकारों या सत्ता से बिल्कुल अलग हैं। घर पर मिस्टर तिवारी जज नहीं है बल्कि पुत्र, पिता या पति हैं। अब पिता या पति की सत्ता जज की सत्ता से बिल्कुल अलग है। एक जटिल समाज में वैधानिक सत्ता प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में समान नहीं होती है बल्कि उसमें भी ऊंच नीच का संस्तरण होता है, अर्थात वैधानिक आधार पर समाज में ऊंच नीच की सत्ताएं होती हैं। दूसरा इन्होंने कहा परंपरागत सत्ता, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज होती जाती है, यानी कि यह वह सत्ता है जो एक व्यक्ति को जो है वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत एक पद पर आसीन होने के कारण नहीं बल्कि परंपरा और स्वीकृत पद के आसीन होने के कारण देती है। चूंकि इस पद को परंपरागत व्यवस्था के अनुसार परिभाषित किया जाता है इस कारण से ऐसे पद पर आसीन होने के नाते व्यक्ति को कुछ विशिष्ट सत्ता मिल जाती है, और इस प्रकार की सत्ता परंपरागत विश्वासों पर टिकी होने के कारण इसको हम परंपरागत सत्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए कृषि युग में जो भारतीय गांव हैं उसमें पाए जाने वाले पंचायत में पंची को सत्ता ही पंची जो सत्ता पंच होते हैं उन पंचों की सत्ता को ही ले लीजिए, इन पंचों की सत्ता वैधानिक नियमों के अंतर्गत नहीं आती है बल्कि परंपरागत रूप में उन्हें सत्ता प्राप्त हो जाती है। यहां तक कि पंच की सत्ता की तुलना ईश्वरीय सत्ता से भी की जाती है, जैसे कि पंच परमेश्वर की अवधारणा इसी रूप में है। यानी कि आप देखोगे जैसे कि आपके प्राचीन गांव में देखोगे जो पंच होते हैं, सरपंच हो गए तो सरपंच साहब, अब सरपंच साहब को कानून की तरफ से कोई अथॉरिटी नहीं है लेकिन गांव वालों ने उनको परंपरा के रूप में सदियों से चला आ रहा है तो उनकी बातें मानी जाती हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि उसी प्रकार जैसे कि हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक परिवार होता है उसमें पिता को परिवार से संबंधित समस्त विषयों में जो अधिकार या सत्ता प्राप्त होती है उसका भी आधार वैज्ञानिक नियम नहीं है बल्कि परंपरा ही है। पिता की आज्ञा का पालन करना, पालन हम इसलिए नहीं करते हैं कि उसके पास कोई वैधानिक सत्ता प्राप्त है बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि परंपरागत रूप से ऐसा होता आ रहा है। वैज्ञानिक सत्ता जो है वो वैधानिक नियमों के अनुसार निश्चित और सीमित होती है क्योंकि वैधानिक नियम निश्चित और स्पष्ट होते हैं, परंतु जो परंपरा या सामाजिक नियमों की इतनी स्पष्टता और निश्चितता नहीं होती है। जज की हैसियत से मिनिस्टर तिवारी की सत्ता की भांति कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। जज की हैसियत में मिस्टर तिवारी की सत्ता कहां से आरंभ और कहां पर समाप्त होती है ये सब कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता है, लेकिन एक पिता की हैसियत मिस्टर तिवारी की सत्ता की कोई सीमा नहीं है कि पिता किस लेवल तक किस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, समझ रहे हैं। तो उसको कहते हैं परंपरागत सत्ता जो आपको लगातार आपके पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती चली आ रही है। अगला है आपका करिश्माई सत्ता। यह सत्ता ना तो वैधानिक नियमों पर होती है ना ही परंपरागत नियमों पर बल्कि कुछ करिश्मा या चमत्कार पर आधारित होती है। जिन व्यक्तियों में कोई जो है विलक्षणता, करामत या चमत्कार दिखाने की वास्तविक या अनुमानित शक्ति होती है वे इस प्रकार की सत्ता के अधिकारी होते हैं, और इस प्रकार की सत्ता को प्राप्त करने में एक व्यक्ति को काफ़ी समय लग जाता है और पर्याप्त साधना, प्रयत्न और कभी कभी प्रचार के पश्चात ही उसको यह सत्ता स्वीकार के रूप में मिलती है। जैसे आप देखेंगे कई बाबा हैं जो जाकर के आप उनसे कुछ बोलते नहीं, आपके मन की बातें जान लेते हैं, आपने YouTube पर देखा होगा, तो उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो आपके पिता है या आपके वो आप पर कंट्रोल कर सकते हैं या वो कोई जज है जो उनकी जिनकी बातें माननी है नहीं, लेकिन उनकी जो कुछ करिश्माएं हैं जो उन्होंने कुछ चमत्कार किए हैं उसको देख करके व्यक्ति उनको मानना स्टार्ट कर देता है और एक अथॉरिटी बन जाती है। और दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को जिस प्रकार विकसित करता है तो या लोग यह समझने में या विश्वास करने लगते हैं कि उस व्यक्ति के ने इसको विकसित कर लिया है, तो उसमें कुछ विलक्षण शक्ति या चमत्कार दिखाने वाली शक्ति या गुण, चाहे वो वास्तविक हो या अनुमानित हो, वो पनप जाता है जिसके बल पर वह दूसरों को अपने आगे झुका देता है और लोग जो है उसकी व्यक्तिगत सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार करिश्माई नेता अपने प्रति, अपने लक्ष्य या आदर्श के प्रति निष्ठा के नाम पर दूसरों से आज्ञा पालन करवाते हैं, जैसे कि जादूगर, पीर, पैगंबर, अवतार, धार्मिक नेता, सैनिक, योद्धा, किसी दल का नेता, ये सारे लोग सत्ताधारी व्यक्ति होते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों की सत्ता को लोग इस कारण स्वीकार कर लेते हैं कि उनमें कुछ ऐसी अद्वितीय विलक्षण गुण पाए जाते हैं जो साधारण लोगों में नहीं देखने को मिलते। अतः प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार के विशेष गुणों के प्रति एक श्रद्धा भाव उठ जाता है और इन गुणों को बहुधा दैवीय या ईश्वरीय गुणों के समान जो है उनके अंशों के रूप में भी माना जाता है। और इस प्रकार के सत्ताधारी व्यक्ति की आज्ञा का पालन जो है वो श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाने लगता है।
और इस प्रकार के सत्ताधारी व्यक्ति को चमत्कार द्वारा अपनी विलक्षण शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है या युद्ध में विजय या अन्य दूसरी सफलताओं द्वारा दूसरे लोगों में ये विश्वास दृढ़ कराना होता है कि वह क्या है, वास्तव में कुछ अद्वितीय शक्ति का अधिकारी है। अब परंपरागत सत्ता की तरह ही करिश्माई सत्ता भी का भी कोई निश्चित सीमा नहीं होती किस लेवल तक वो जो है दूसरों को मैनिपुलेट कर सकता है, परंतु इस सत्ता की अवधि मूलतः अस्थायी होती है और इसका पतन उसी समय हो जाता है जबकि इस प्रकार के सत्ताधारी व्यक्ति अपनी विलक्षण शक्ति का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। साथ ही इस सत्ता की रचना या तो परंपरागत या तो वैधानिक दिशा में परिवर्तित हो सकती है, अर्थात करिश्माई सत्ता जो है वो परंपरागत या वैधानिक सत्ता में भी बदल सकती है अगर वो पावर में आ जाते हैं तो। समझ रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ यह है कि आप देखोगे कि यह जो सत्ता होती है अस्थायी होती है, जब तक चल रहे हैं आप चल रहे हैं, जिस दिन आपकी पोल खुल गई, लोगों का विश्वास आपसे हट गया, फिर आप खत्म, आपकी सत्ता का फिर कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आप देखोगे आसाराम बापू हो गए, राम रहीम हो गए, तो क्या था, इनकी एक पावर चलती थी, एक सत्ता चलती थी, दुनिया में इनके इतने सारे फॉलोअर थे, लेकिन इनकी करतूतें सामने आई और सारा सत्ता, सारा पावर, सारा जो अधिकार था वो खत्म सा हो गया। समझ रहे हैं, तो यहां तक था आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, अब यहां से स्टार्ट होगा आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।